हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है कि आपके फोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, उसे आपको अच्छे से साफ करना है, ठीक है। और दूसरा काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, उस सेंसर पर जिस फिंगर को आप अपना टच करते हैं ना, उस फिंगर को अच्छे से साफ कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, ऐप्स, ठीक है। अब यहां पर आपको अगले पेज में ना, सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे आना है, नीचे आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। यहां पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का पहले वाला फिंगरप्रिंट लॉक जो है ना, डिलीट करके एक नया फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर लेना है अपने फोन में, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको है ना, सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है, तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना ये ऑप्शन मिलेगा, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।